हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पनीर समोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम समोसा पट्टी के साथ बनाएंगे। और ये समोसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड खास्ता बनकर तैयार होंगे, बिल्कुल बाजार जैसे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये समोसे की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम समोसा पट्टी के लिए डो लगा कर तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। वेट में देखा जाए तो 300 ग्राम के लगभग मैदा होगा ये। इसमें हम ऐड कर देंगे नमक स्वाद अनुसार। मैंने आधा छोटी चम्मच नमक लिया है। अब हम नमक को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर आटा मैदा दोनों मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने नमक और मैदा को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका हम सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार कर लेंगे। डो इसका हमें सॉफ्ट रखना है, जैसे चपाती का डो लगाते हैं हम, बिल्कुल उसी तरीके से। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाकर तैयार किया है। अब हम इसमें आधा छोटी चम्मच के लगभग में तेल डाल लेंगे और डो को अच्छे से चिकना कर लेंगे। इसको अच्छे से मिलाना है, बिल्कुल लचीला बनाना है इसे। और मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसको ढक कर करीब 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक डो हमारा सेट होगा, इतने में हम समोसे के लिए स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसको हम ढक कर साइड में रख देते हैं और स्टफिंग बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो समोसे का स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 150 ग्राम के लगभग पनीर का इस्तेमाल किया है, और इसे हमें मोटे वाले ग्रेटर से अच्छे से ग्रेट कर लेना है। तो मैंने पनीर को ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 50 ग्राम के लगभग में मोजरेला चीज़। मैंने यहाँ पर आधा कप चीज़ लिया है, वेट में 50 ग्राम है। इसमें चीज़ डालना ऑप्शनल है, आप चाहे तो बिना चीज़ के भी ये समोसे बना सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2-3 चम्मच के लगभग में बारीक चॉप किया हुआ प्याज, और 2-3 चम्मच के लगभग में हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे गाजर 2-3 चम्मच के लगभग में बारीक चॉप किया हुआ। आप इसमें अपने मनपसंद की कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने 1/4 कप के लगभग में स्वीट कॉर्न लिया है बॉयल किया हुआ। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया 1/4 कप के लगभग में। और अब मैं डाल रही हूँ आधा छोटी चम्मच के लगभग में पिज्ज़ा पास्ता सीजनिंग, और आधा छोटी चम्मच के लगभग में चिली फ्लेक्स डाल देंगे। काली मिर्ची का पाउडर आधा छोटी चम्मच के लगभग में। नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार। और अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्टफिंग बनकर तैयार होगी हमारे समोसे के लिए, और समोसे से बिल्कुल पिज्ज़ा का स्वाद आएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी समोसे बनकर तैयार होते हैं। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया, और ये हमारी समोसा के लिए स्टफिंग तैयार है। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं और समोसा पट्टी के लिए जो हमने डो लगाकर तैयार किया है उसको चेक कर लेंगे। तो डो को भी रखे हुए करीब 20 मिनट हो गए हैं, और आप देख सकते हैं डो हमारा काफ़ी लचीला हो गया है, ये देखिए। तो इसको हम 1-2 बार करके इस तरह से मिला लेंगे। ये थोड़ा सा स्टिकी लग रहा था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क दिया है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसे छोटे छोटे लोइयों में डिवाइड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी लोइयों को तोड़ कर रख लिया और इसको अच्छे से सिकना कर दिया है। और ये लोइयाँ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, जैसे पूरी की लोई होती है उससे थोड़ी सी बड़ी है। और अब हम लोई को सूखा मैदा से डस्ट करते जाएंगे और इसे हमें बेलते जाना है, और इसे हमें पूरी से थोड़ा सा बड़ा बेलना है। जैसे हम चपाती बनाते हैं बिल्कुल उसी साइज़ के बेल कर तैयार कर लेना। आप देख सकते हैं अभी मैंने बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया है। और दूसरी लोई को हम सेम तरीके से बेल कर तैयार कर लेंगे, देखिए। और दोनों को हमें इक्वल साइज़ में बेल कर तैयार करना है। और ये देखिए मैंने दोनों चपाती के इक्वल साइज में बेलकर तैयार कर लिए। अब हम दोनों चपाती पे 1-1 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसको अच्छे से ब्रश से फैला देंगे, देखिए इस तरीके से। और इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर लेंगे इस तरीके से, और इसको भी हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। दोनों चपाती पर हमें सेम प्रोसेस करना है। इसको अच्छे से फैला दीजिए इस तरीके से, और दोनों को हमें एक के ऊपर एक रख लेना है। जिस साइड हमने मैदा और ऑयल लगाया उसी साइड से हम इसको चिपका देंगे, ये देखिए इस तरीके से। और इसके बाद फिर से हमें इसको बेलना है, और इससे आप जितना पतला बेल सकते हैं बेल कर तैयार कर लीजिए। जितना ये स्ट्रेच हो सकता है उतना हमें पतला बेल कर तैयार कर लेना है। और ये देखिए मैंने दोनों को जोड़कर बड़ी सी चपाती बेल कर तैयार कर लिया है, और बिल्कुल पतला बेल कर तैयार किया है। मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ, ये देखिए इसकी थिकनेस। और अब हमें इसको सेकेंगे। तो इसको सेकने के लिए हमें असावधानी से इसको इस तरह से उठा लेना है हाथ पे, और इसे हमें मीडियम हीट तवे पर डालना है, और इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाना है। जब एक तरफ से हल्का सा ड्राई हो जाए इसके बाद हम इसको पलट देंगे।
ये देखिए ऊपर से हमारी चपाती थोड़ी सी ड्राई हो रही है, तो इसको हम सावधानी से पलट देंगे। और दूसरे तरफ से भी हमें 1-2 मिनट तक कुकर लेना है, बहुत ज़्यादा हमें ओवर कुक नहीं करना है, बस हमें दोनों चपातियों को अलग कर होने तक पकाना है। तो आप देख सकते हैं दूसरे तरफ से भी कुक हो चुकी है, तो इसको फिर से पलटेंगे। और जैसे हम पलटेंगे ये देख आप देख सकते हैं दोनों चपाती हमारी अलग अलग हो जाएगी सेपरेट, और ये हमारी समोसा पट्टी के लिए बिल्कुल पतली पतली सी चपाती बनकर तैयार हो गई। तो इसको हम सीधा कैसरोल में रखेंगे और इसे हमें ढक्कन बंद करके रखना है गरम गरम ही। अगर ये ठंडी हो गई बाहर में तो ये हार्ड हो जाएगी और इससे हमें समोसा बनाना मुश्किल हो जाएगा, तो इसको ढक्कन बंद करके रखेंगे। और बाकी डोसे भी हम सेम तरीके से समोसा पट्टी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे डोसे समोसा पट्टी बनाकर तैयार कर लिया, बिल्कुल सॉफ्ट एंड पतली पतली ये पट्टियाँ बनकर तैयार हुई। अब देख कर नहीं लग रहा होगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। अब हम सारे समोसा पट्टी को एक के ऊपर रख इस तरह से रख लेंगे और इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। तो आप चाहे तो इसको माप कर काट सकते हैं या फिर ऐसे भी अंदाजे से काट सकते हैं, पतली पतली पट्टियाँ निकाल सकते हैं। तो पहले हम इसको साइड से कट कर लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से दोनों साइडों से कट कर लेंगे और इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। आगे मैं बताऊंगी आपको वीडियो में इसको कैसे इस्तेमाल करना है। और इसके बाद हम इसको बीच से 3 बार कट करेंगे, ये देखिए। और इसे काटने के बाद फिर से हमें कैसरोल में रखना है ढककर, नहीं तो ये पट्टियाँ जो है सूख जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कितनी पतली पतली और कितनी अच्छी ये पट्टियाँ बनकर तैयार हुई है। और ये पट्टी को आप 2-3 दिन तक कैसरोल में ढककर रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और इसी तरीके से सॉफ्ट रहेगी। बस इसको ढककर आपको रखना है, प्रॉपर ढक्कन बंद होना चाहिए ताकि इसमें एयर ना लगे और ये हार्ड ना हो। तो अब फिर से हम इसको कैसरोल में रख लेंगे और बाकी चपातियों को हम सेम तरीके से कट कर लेंगे। और मैंने सारी चपाती को कट कर लिया और इस समोसा पट्टी के लिए ढेर सारी पट्टियाँ तैयार हैं। तो इस तरीके से आप घर पे ही बहुत ही आसान तरीके से समोसा के लिए पट्टियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। और बस ध्यान रखें कि इसे ढक कर रखना बहुत ज़रूरी है ताकि ये सूखे नहीं। और अब हम समोसा को चिपकाने के लिए मैदे का घोल तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैं इस बॉल में ले रही हूँ 2 चम्मच मैदा और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और गाढ़ा सा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने मैदे का घोल तैयार कर लिया और बिल्कुल गाढ़ा सा घोल बनाया है, तो इसको अभी हम साइड में रखते हैं। और अब हम एक एक करके समोसा पट्टी निकालते जाएंगे और इसके बाद हम इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। एक एक करके निकालना है, दोबारा से हम इसको फिर से ढक देंगे और इसके बाद हम इसको इस तरीके से पहले कोन की तरह बना लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर हम पहले थोड़ा सा मैदे का घोल लगाएंगे और इसके बाद हम इसको इस तरीके से चिपका देंगे और फिर से हम इस तरीके से मैदे का घोल लगाएंगे और ये देखिए इस तरह का शेप बनाकर कोन की तरह हाथ में उठा लेंगे। और इसके बाद इसमें हम स्टफिंग भरेंगे, तो स्टफिंग में बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, 1 से 2 चम्मच भरना है। और इसके बाद हम इसको फिर से हम इस तरीके से मैदे का घोल लगाएंगे। तो इसमें हमें अच्छे से मैदे का घोल लगाना है ताकि समोसा कहीं से भी फूले नहीं और अच्छे से चिपक जाए, ताकि स्टफिंग तेल में ना निकले। ये देखिए इसको इस तरीके से ले जाकर अच्छे से चिपकाना है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर समोसा बनकर तैयार हुआ है। बाकी समोसे भी हम सेम तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। और आप देख सकते हैं मैंने सारे समोसे बनाकर तैयार कर लिया है और बहुत ही सुंदर समोसे बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने के प्रोसेस में। तो समोसे को फ्राई करने के लिए तेल हमें मीडियम हीट चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म तेल में इसको नहीं डालेंगे, नहीं तो समोसे डालती हैं जलने लग जाएंगे और अच्छे से क्रिस्पी नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैंने जो चपाती से साइड में काटा था उसको मैं फ्राई कर रही हूँ, तो इसे हमें अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगते हैं खाने में, इसे आप चाय के साथ खा सकते हैं, फिर केचप के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो इसको हम निकाल लेते हैं, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया और क्रिस्पी हो गया। और इसके बाद हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें हम समोसे ऐड करेंगे। तो एक बार में जितने समोसे कढ़ाई में आ जाए उसको डाल दीजिए और इसे हमें अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। तो पहले हम फ्लेम को लो रखेंगे, बाद में हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे। और एक तरफ से जब कुक हो जाता है हम इसको इस तरीके से हल्का सा हिला देंगे, इसको पलटने में हमें जल्दीबाजी नहीं करना है। ये देखिए हल्का हल्का सा इस तरीके से हमें उलट पलट करते हुए क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। और ये देखिए मैंने इसे करीब 7 से 8 मिनट तक फ्राई किया है और सारे समोसे बहुत ही ज़्यादा सुनहरे रंग के हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो गए हैं, आपको देखकर ही लग रहा होगा। तो अब हम समोसों को निकाल लेते हैं और बाकी बचे हुए समोसे भी हम सेम तरीके से फ्राई करके तैयार कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी समोसे बनकर तैयार हुए हैं, आपको देखकर ही लग रहा होगा कितना ज़्यादा टेस्टी एंड क्रिस्पी है, बिल्कुल बाजार जैसे समोसे बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स मेरे सारे समोसे बनकर तैयार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे ट्राई करने के बाद आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और यदि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में।